एंड ऐट द सेम टाइम देर नीड्स आर एड्रेस्ड उनकी ऐसी क्या ज़रूरियात हैं जो उनको परेशान कर रही हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट से वाकिफ़ हों ताकि उनको प्रॉपरली और अप्रोप्रिएटली एड्रेस किया जा सके इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि क्लास रूम में मसाइल पेश ना आए क्योंकि मसाइल तभी पेश आते हैं जब स्टूडेंट्स जो हैं चंद स्टूडेंट्स को सुना जाता है और बाकी स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जाता है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट है चोजन फ्यू स्टूडेंट्स जो कि आपके फेवरेट्स हैं और आप हमेशा उन्हीं को सुने अगर यह नफ्सियात डिवेलप कर देंगे क्लास में तो फिर डिस्ट्रप्शन होंगी क्योंकि स्टूडेंट्स विल फील फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर नॉट हर्ट एंड दे टेक द मैसेज दैट अस टीचर डज फेवरेटिजम इन द क्लास रूम बाय लिसनिंग टू अ फ्यू स्टूडेंट्स एंड इग्नोरिंग द रेस्ट इस किस्म का कभी भी क्लासरूम में आ, आप आप रवैया जो है वो ना अपनाएं हमेशा यह कि आप तमाम स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड हैं और तमाम स्टूडेंट्स को आप सुन रहे हैं ये बहुत जरूरी है इसके अलावा गिव स्टूडेंट्स अ पेशेंट हेयरिंग इस चीज का इजहार ना करें कि आपके पास वक्त की कमी है और जो स्टूडेंट जो है वो अगर अपना कोई इश्यू डिस्कस कर रहा है तो आपके पास कोई खास वक्त नहीं है सुनने का सो प्लीज गिव योर स्टूडेंट्स अपेश ये एक हेल्दी क्लासरूम की निशानी होती है इसके अलावा आप थोड़ा सा टाइम जो है वो नॉन एकेडमिक इश्यूज को भी सुनने में जो है वो लगाएं ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो क्लासरूम है ये सिर्फ एक एकेडमिक नेचर जो है उसका नहीं होना चाहिए इसमें स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू डिस्कस अदर इशूज विच आर नॉट रिलेटेड टू दर्ल्ड ऑफ एकेडेमिया ये बहुत जरूरी है इससे गुड रेपो बिल्डिंग होती है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इसके अलावा कोई एक स्टूडेंट जो है उसको डोमिनेट नहीं करने देना चाहिए अगेन इसके लिए जरूरी है द टीचर शुड लिसन टू ऑल द स्टूडेंट्स किसी एक स्टूडेंट को हावी नहीं होना चाहिए क्लासरूम में इसके अलावा शाय स्टूडेंट्स जो हैं दे शुड भी इंकरेज टू स्पीक दे शुड भी इंकरेज टू पार्टिसिपेट इन द क्लास प्रोसीडिंग्स ये हमारा फर्ज है कि जो स्टूडेंट्स जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं या जिनको पब्लिकली बात करने में थोड़ी शर्म महसूस होती है हम उनको जो है वो तैयार करें कि वो एतम के साथ बात कर सकें दैट इज़ पार्ट ऑफ आर ड्यूटी एज ए टीचर दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसके अलावा आपके क्लासरूम का जो माहौल है वो कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए उसमें आप बहसीयत एक दोस्त के भी क्लासरूम में एग्जिस्ट करने चाहिए टीचर ऑफकोर्स

सुन सकते हैं तो जब हम एक हेल्दी क्लासरूम की बात करते हैं तो हम सिर्फ एकेडमिक इश्यूज की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर नॉन एकेडमिक इश्यूज की भी बात कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट में अच्छा रिलेशनशिप कायम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चंद चीज़ों का ख्याल रखा जाए जैसे मैंने पहले कहा फेवरेटिज़म बिल्कुल ना करें और वो ऐसे तलब जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं उनको आप जो है वो सामने लेकर आए सिर्फ सामने बैठे स्टूडेंट से बात ना करें पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी आप आगे बैठे हुए स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और इसके साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके स्टूडेंट्स की क्या जरूरियात हैं उनके क्या मसाइल हैं ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं क्लासरूम में ऐसे बहुत से इश्यूज हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स बयान नहीं कर पाते मगर उनकी वजह से वो परेशान होते हैं तो उनको हल करना हमारी जिम्मेदारी है बहसीयत उस्ताद के और उन मसाइल को हल करना अगर क्लासरूम में मुमकिन नहीं है तो फिर हेड ऑफ़ स्कूल के पास या कोऑर्डिनेटर्स के पास हम जाकर उन मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ आर ड्यूटी टू इंश्योर हेल्दी क्लास अगर क्लास हेल्दी होंगे उतनी ही लर्निंग होगी और उतने कम जो हैं वो क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज होंगे